ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जैसे कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं कल हम लोगों ने शुरुआत की थी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के जीवन पर संक्षिप्त विवरण से कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने किन परिस्थितियों में परीक्षित महाराज को यह ज्ञान दिया सात दिन का उनके पास समय था और वो चाहते थे मैं भगवान के बारे में सुनूं और उन्होंने कुछ प्रश्न किए और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए तो श्रीमद्भागवतम लगभग बारह स्कंधों में लिखा गया अठारह हज़ार श्लोक हैं जिसमें और नौ अध्यायों तक उन्होंने सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतया मनवंत्र ईशानुकथा तक सारे विषय डिस्कस किए नौवें स्कंद में परीक्षित महाराज के पूछने पर सूर्यवंश और चंद्रवंश की सारी लीलाओं को कह डाला और परीक्षित महाराज ने उन राजाओं के विषय में सुनकर काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया और अब सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करके कहते हैं कि अब क्योंकि दसं स्कंद आप शुरू कर रहे हैं कृष्ण की कथा शुरू कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपने संक्षिप्त में बताया कि भगवान ने किस प्रकार वसुदेव ने कृष्ण को ले जाकर नंद महाराज के यहाँ रखा उसके बाद द्वारका गए इतनी सारी पत्नियों से विवाह किया शादियाँ की तो मुझे विस्तार से बताइए क्योंकि बचपन में परषेत महाराज ने कृष्ण का दर्शन किया था माता के गर्भ में जब भगवान ने उनकी रक्षा की थी तो अब वो और अधिक सुनना चाहते थे तो सुखदेव गोस्वामी ने उनकी इन जिज्ञासाओं का समाधान किया कृष्ण कथा करके उनको अप्रिशिएट किया और कहा कि जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में और अधिक सुनना चाहता है तो इसमें वक्ता का भी फायदा है पूछने वाले का भी फायदा है और उनके माध्यम से सुनने वालों को भी फायदा है तो हम देख सकते हैं हम सब कितना फ़ायदा उठा रहे हैं सात दिन का समय मिला था परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी उनके लिए कथा कर रहे थे और जितने भी ऋषि मुनि और वरिष्ठ भक्त थे सारे कथा सुनने पहुंच गए ये होता है लौल्यम कथा के प्रति कृष्ण के प्रति उसी तरह उन कथाओं का आज भी विवेचन हो रहा है उन कथाओं पे आज भी डिस्कशन हो रहा है जैसे वहाँ हुई घटना वहीं हुई कथा के बारे में शौनक आदि ऋषि ने भी सूद गोस्वामी से पूछा और फिर सूद गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को जो कथा की थी शुभदेव गोस्वामी जी ने उसके बारे में विवरण दिया तो वो भी भागवत कथा का एक पार्ट बन गया उसी तरह अब वो आचार्य लोग तो नहीं हैं लेकिन अब शिला प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में वही कथाएं हर जगह हो रही हैं तो अनवरत अमृत धारा भागवतम की बह रही है जो लोगों को मन से हृदय से शरीर से इंद्रियों से पवित्र कर, कर उसको भगवान के चरणों में स्थान दिलाता है भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम स्वधाम उपगते अपने धाम वापस चले गए द्वारका में लीला समेट कर तो कलयुग में अपने भागवतम के रूप में अवतार लिया और ये टॉर्च का काम करेगा संसार के लोगों को जो अंधकार में है उन्हें दृष्टि देने का काम करेगा इसलिए सारे संतों ने भागवतम में और अन्य जगहों पर इसकी खूब चर्चा की है तो वो भागवतम आज हमें भी प्राप्त हो रहा है योग्यता देखें तो कोई खास योग्यता नहीं है कलयुग के प्राणी हैं अल्प आयु हैं और हमेशा उद्विग्न रहते हैं उपाद्रता मन में बड़े गंदे गंदे विचार रहते हैं भौतिक इच्छाएं रहती हैं योग्यता तो कोई भी नहीं लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों की कृपा से आचार्यों की कृपा से हमें ग्रंथ मिल गए और ऐसा माध्यम मिल गया जिसके कारण हम इनको सुन पा रहे हैं और इनको श्रवण करने से हमारा लाभ हो रहा है धीरे धीरे हम लोग भक्ति में एडवांस कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल इस विषय में चर्चा की और फिर बात शुरू हुई कि किस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा गया कि भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से बताइए तो विस्तार से बताने में उन्होंने कहा एक बार ये धारा पृथ्वी जो है राक्षसों और राजाओं रजोगुनी राजाओं के भार से व्यथित हो रही थी और गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करी भगवान ने उनको हृदय में प्रार्थना उनको ज्ञान दिया कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ सब देवताओं को कहो पहुँच जाए सब देवता पहुँच गए भगवान के अंश उनके अपने अंशों के रूप में यदुवंशियों के रूप में इधर कंस जो हैं उसको पता चला जब वो देवकी को लेकर जा रहा था विवाह के बाद एक आकाशवाणी से कि उसका वध उस देवकी का ही आठवां पुत्र करेगा तो उसने तलवार निकाली वसुदेव ने उसको पेसीफाई किया उसको मनाया काफ़ी ज्ञान दिया फाइनली वो मान गया और कहा कि तुम कहते हो कि मेरे को सारे पुत्र ला दोगे मारने के लिए तो ठीक है चले जाओ और वैसे ही हुआ जैसे ही पहला पुत्र हुआ उसको ले गए कीर्तिमान को लेकिन वचन परायणता को देखकर वसुदेव को छोड़ दिया लेकिन नारद मुनि जी आते हैं क्योंकि उनको लगता है कहानी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी भगवान को जल्द से जल्द आना चाहिए अगर ये छोड़ देगा तो भगवान को आने में समय लग सकता है और फिर पूर्व में देवकी के पहले छः पुत्र कहीं ना कहीं जो ये कंस है अभी ये काल नेमी था और उसी के पुत्र थे शाप के कारण उनको इनके हाथों ही मरना था तो जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट देखा तो नारद जी पहुँच गए और बताया कि ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर आए आएँ देवताओं की मीटिंग अटेंड करी है तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया एक एक करके छः पुत्रों को मार दिया भगवान ने योग माया को कहा कि तुम जो हैं अब सातवें गर्भ को देवकी के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और फिर तुम स्वयं योग माया यशोदा के यहाँ प्रकट हो मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा तो वसुदेव मुझे यहाँ से ले जाएंगे और तुम्हें यहाँ ले आएंगे और ऐसे ही हुआ रोहिणी के यहाँ पर बलभद्र प्रकट हुए और यशोदा के यहाँ पर योग माया प्रकट हुई और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब वसुदेव जी उनको लेकर जाते हैं जेल की बेड़ियाँ खुल जाती हैं और उसके बाद हम सब आगे के अध्यायों में कल तीन अध्यायों तक तो हमने चर्चा की थी और उसके बाद हम लोगों ने अब चर्चा करनी है कि किस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कंस को पता चला तो उससे पहले तो कंस को जैसे मारने के लिए आया उससे पहले वसुदेव ने शिफ्ट कर दिया था और वहाँ से योगमाया को ले आए थे जब देखा तो वसुदेव और देवकी कारागार में है तो कंस अपनी उसी उद्विग्नता के साथ आया क्रोध में आया कि मेरा काल आ गया है क्योंकि सातवां गर्भ की सूचना मिली थी वो गिर गया है और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देवकी ने हाथ जोड़े भाई से प्रार्थना की कि हे भाई तुम इसको मत मारो तुम्हारे कर, तुम्हारे लिए तो भविष्यवाणी थी कि मेरा आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा ना बट ये तो पुत्री है तुम इसे मत मारो कंस ने आंख देखा ना ताव और उसने क्या किया उस पुत्री को उठाया और आकाश में जैसे हाथ उठाया मारने के लिए तुरंत जो है योग माया प्रकट हो गई दुर्गा के रूप में क्योंकि योग माया और महामाया दोनों भगवान की शक्ति हैं योग माया भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं में सहयोग करती है भगवान को आनंद देने के लिए और योग माया का ही एक्सपेंशन है महामाया जो दुर्गा के रूप में इस संसार के क्रियाकलापों को भौतिक संसारिक लोगों को भ्रमित रखती है और यहाँ के कार्यों को करती है तो योग माया अगर वहाँ है तो समझ लीजिए महामाया भी उसी के अंदर है तो जैसे ही कंस ने उसको उठाया तो वो योग माया नहीं थी अब वो महामाया थी दुर्गा प्रकट हो गया आकाश में और फिर कंस भयभीत हो गया उनको देखकर, और जब महामाया दुर्गा ने कहा कि हे कंस तो तेरा वध करने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है और ये जैसे ही पता चला तो कंस बड़ा भयभीत हो गया और उसके बाद कंस को लगा मैंने क्या कर दिया और फिर कंस ने कहा है मेरी बहन और अपने जीजाजी वसुदेव को बोला हे बहनोई मैं सचमुच में मानव भक्षी राक्षस हूँ और मैं एक पापी के तुल्य हूँ मैंने तुम्हारे शिशुओं को मार दिया वैसे तो ये जो पापी होते हैं नरभक्षी होते हैं ये तो अपने पुत्रों को खा लेते हैं जैसे सांप और नरभक्षी राक्षस होते हैं ये अपने पुत्रों को खा लेते हैं कहते हैं उसी तरह मैंने भी क्योंकि जी ने बताया था कि कंस तुम कालने में थे और अपने पुत्रों का वध करोगे मैंने भी देवकी के छह पुत्रों को मार दिए मैं भी नरभक्षी पापी हूँ तो ऐसा पश्चाताप करने लगा कंस और इस प्रकार कहा कि मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला और फिर आगे उन्होंने कहा कि मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों और मित्रों का परित्याग भी किया उनसे द्वेष किया उनसे ईर्षा की और यहाँ तक कि मैं ब्राह्मणों का भी वध करने से नहीं चुका अब मैं नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात मुझे कौन सा लोक प्राप्त होगा क्या मेरी गति होगी कभी कभी है केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं लेकिन अब तो मैंने यह देखा कि विधाता ने भी झूठ बोल दिया उन्होंने कहा था आठवां पुत्र होगा यहां तो आठवीं पुत्री हुई मेरे साथ ये क्या हो रहा है अब देवता और आकाशवाणी भी गलत होने लगी क्या तो इस प्रकार वो बातें कहने लगा फिर कहने लगा कि हे महानाहमा तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है यह नियति है हम लोग कुछ नहीं कर सकते अगर आज तुम्हारे छह पुत्र मेरे हाथों मारे गए हैं तो कोई कर्म होगा इस प्रकार से लेकिन तुमने बड़ी विनम्रता से इसको सहा अपनी अपनी कर्म प्रायणता दिखाई वसुदेव लेकिन मैं तो क्या था मैं तो बहुत परेशान हुआ मैंने तुम्हारे पुत्रों को वध किया इसका मैं पाप अपने सर पर लेता हूँ और मैं इसलिए भी परेशान हूँ क्योंकि सातवां गर्भ स्वयं दुर्गा तुम्हारे यहाँ से प्रकट हुई इसलिए भी भयभीत था कहते इस संसार में बड़ा सुंदर बात कहते हैं कहते हैं इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन खिलौने तथा पृथ्वी के ये अन्य प्रकार हैं और टूटते हैं फिर इसी पृथ्वी पर मिल जाते हैं इसी पृथ्वी से प्रकट होते हैं फिर यही मिल जाते हैं कहते हैं उसी प्रकार बद्ध जीव भी हैं वो भी पांच तत्वों से इनका शरीर मिलता है यहीं पर जलते हैं और यहीं मर जाते हैं तो इस प्रकार होता है तो ये सारा ज्ञान की बातें कंस कर रहा है और बता रहा है कि शरीर बदलना ये टेम्परेरी है अगर किसी के हाथ किसी की मृत्यु भी होगी क्या कर सकते हैं असंगोही पुरुषा शिलाप्रपात जी प्रपट में लिखते हैं कि आत्मा जो है इन पांच तत्वों से कभी नहीं मिलती और इस प्रकार उसका कोई लेना देना नहीं है संसार से लेकिन देहात्म बुद्धि देहात्म चेतना के कारण मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है और यही डर का भाव कि मैं मर ना जाऊं इसलिए लोग पाप करते हैं अन्यथा आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं है इस प्रकार कंस ने जो है बात करना शुरू करी फिर उन्होंने ये भी कहा कि अध्यात्म बुद्धि जो है ज़्यादातर अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है सांसारिक चीज़ों से और फिर ये बताया शिलप जी ने परपट में कि जिस प्रकार 24 घंटे अध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति रोग से पीड़ित देखा जा सकता है क्योंकि शरीर तो सबके पास है और हो सकता है कि कई बारी भक्त लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको भी शारीरिक समस्या आए जैसे कर्मियों को आती है या नॉन डिवोटिस को आती है तो प्रभुपा जी कह रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक कष्टों से वो विचलित है वास्तव में उसको इस प्रकार के कारण से कोई दुख नहीं पहुंचता जैसे कई बारी गंगा का पानी वर्षा के कारण धूल मिट्टी के कारण ऊपर से गंदा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में हम जब स्नान करते हैं या उसको पीना चाहते हैं तो हम लोग उस फैन को उस गंदगी को हटाकर उस साफ़ निर्जल जल को ले लेते हैं उसी तरह शारीरिक रूप से देखने में कल को लग सकता है कोई व्यक्ति दुखी है परेशान है लेकिन ऐसा नहीं है शुद्ध भक्त या अच्छी भावना के भक्त जो हैं सदैव असंग है, है पुरुष इस संसार की चीज़ों से अलग रहते हैं आत्मा के स्तर पर तो इस प्रकार उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया फिर उन्होंने कहा मेरी बहन देव की तुम्हारा कल्याण हो हर व्यक्ति प्रारब्ध के कारण ही इस संसार में कर्मों का फल भोगता है इसलिए दुर्भाग्यवश मैंने अपने पुत्रों को मार दिया कि कोई ना कोई प्रारब्ध होगा और हम सब जानते हैं कि हमने कथा में बताया था कि कंस कालनेमी था और कालने के ही पुत्र जो हिरण्य के के पोते लगते थे इन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति कर कर वरदान प्राप्त किए थे और ये छः के छह पुत्र मरीचि के पुत्र थे जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के ऊपर उन्होंने व्यंग किया था या हंसे थे या उनको शिक्षा देने का प्रयास किया था तो श्राप मिला था तो तब से ये कथा आगे चल रही है और इस प्रकार आगे कहते हैं कि समत्वम दोभत्यम साधव दीन वत्सलाहा कहते हैं कंस ने याचना की कि हे मेरी बहन और अपने बहनोई को बोला कि मुझे मुझ जैसे शूद्र हृदय व्यक्ति पर कृपा कीजिए क्योंकि तुम दोनों तो साधु सदृश व्यक्ति हो तुम तो साधु वृत्ति के लोग हो मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दो ये कंस कह रहा है अपनी बहन से और अपने बहनोई से और यह कहकर खेत से आंखों में आंसू लेकर वसुदेव के चरणों में गिर गया तो कंस जैसा व्यक्ति भी देखिए इस समय अपने द्वारा किए गए कृत्यों के, के माफी मांग रहा है कर्म की आत्मा का ज्ञान भी है शरीर बदलने का पुनर्जन्म का ज्ञान भी है उसको और प्रारब्ध का भी ज्ञान रखता है हमारे जीवन में भी आने वाले सारे कष्ट कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के प्रारब्ध के कारण है कैसे बताया जाता है भक्ति और सिंधु में और अन्य ग्रंथों में कि जो हम कोई भी कर्म करते हैं वह कूट रूप में बीज रूप में फिर प्रारब्ध के रूप में फिर आपारब्ध चार अवस्थाएं हैं उसकी जैसे कि शास्त्रों में कहा गया यथा धेनु सहस्त्रेशु वत्सो गच्छति मातरम तच्चा कृतम कर्म कर्तारम अपि गच्छति जैसे एक छोटा बछड़ा गाय का वत्स एक हजार गायों में भी या सैकड़ों हजारों गायों में भी अपनी माता का पता लगा लेता है बिना आधार कार्ड और और बायोमेट्रिक के और अपनी माता का स्तनपान करने लगता है कौन उसको बताता है कि तेरी मां ये है हजारों गायों में परमात्मा है हृदय में और उसको मालूम है कि मुझे अपनी मां के पास जाकर स्तनपान करना है उसी प्रकार हृदय में परमात्मा बैठ के स्मृति ज्ञान चा स्मृति मतलब याददाश्त ज्ञान मतलब नॉलेज विस्मृति मतलब भूलने की शक्ति भगवान हृदय में बैठ के जीव को देते हैं कब कौन सा काम करवाना है कब कौन सा नहीं करवाना अगर उसके कर्मों में लिखा है तो भगवान उसको प्रेरित करेंगे और कर्म कर देगा कोई लोग कह सकते हैं इसका मतलब पाप करने वाले या पुण्य कर्म करने वाले परमात्मा ही है अंदर जी नहीं जिस चीज़ की जो हम कर्म कर चुके हैं उसका फल हमें दिलवाने में परमात्मा हमारी मदद करेंगे लेकिन अगर मैं कुछ नए कर्म जनरेट करना चाहता हूँ रजोगुण में हूं और कुछ भी करना चाहता हूँ तो परमात्मा सेंक्शन दे, दे देंगे कर ले भाई उसका फल हमें ही भोगना है इसलिए कहा तच्छा कृतम कर्मम करतारम अपनी गच्छति हमारे द्वारा किया गया हर कर्म जैसे ही एक्शन किया अब एक्शन खाली हाथों से या पैरों से नहीं होता एक्शन तो शब्दों से भी होता है इवन मन से भी होता है लेकिन कलयुग में मन के पाप या मन से गए कृतों को माफी दे दी गई है क्यों क्योंकि लोगों का मन इतना विचलित है इतना चंचल है कि हर समय पाप ही करता रहता है यहाँ बैठा है कभी कहीं बैठा है कभी किसी के साथ कहीं भोग कर रहा है कुछ ना कुछ मन इस प्रकार करता है अगर मन के भी पाप लगने लगे तो व्यक्ति का क्या हश्र होगा इसलिए कलयुग में डिस्काउंट दे दिया गया कि मन से किए गए पाप नहीं लगेंगे उसका लेकिन हाँ मन से की गई भक्ति जरूर लग जाएगी जिस प्रकार जब कारागार में भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव ने तुरंत दस हज़ार गायें दान कर दी मन से दान की कि अभी मैं उस अवस्था में नहीं हूँ लेकिन वो दान माना गया और जब वो बाहर आए जब उस योग्य हुए तो उन्होंने गायों का दान दोबारा किया जब भगवान को नथरों में प्राप्त हुए उनको तो इस प्रकार मन से किए गए पाप हमें का फल नहीं लगता लेकिन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो मन में है वो एक दिन जुवा पे आएगा और जुवा से कर्मों पे आएगा तो इसलिए बताया जाता है कि व्यक्ति को मन से भी पाप नहीं करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए और फिर वाणी से हम लोग लोगों को गलत बोलकर अपशब्द बोलकर निंदा कर कर अपराध करते हैं या पाप करते हैं ये कर्मों में आएगा कितने लोगों को हम व्यथित कर देते हैं उपहास करते हैं उनका व्यंग करते हैं टोंट मारते हैं घरों में होता है सास बहू पिता पुत्र भाई भाई, भाई बहन भाई पड़ोसियों के साथ हर एक जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम इस वाणी का प्रयोग करते हैं लोगों में छाने का प्रयोग करते हैं कि हाँ लोग मुझे बोलेंगे देखो वाक पटोता देखो इसकी ये तो जुबान की खाता है मेरे मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूं तो इस प्रकार वाणी का जब गलत प्रयोग करते हैं तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हें उसका फल देगा बिना बात पर आकर कुछ चिल्लाएगा तुम्हारे ऊपर छोटी सी बात पर कोई ज़्यादा डांट देगा आपको तो ऐसी घटना होगी होगी और अगर हाथों से या पैरों से कोई कर्म कर डाला तो कूट बीज और प्रारब्ध के रूप में वो मिलेगा मिलेगा आज नहीं तो कल जिस प्रकार बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों में ढूंढ लेता है वैसे ही हमारे द्वारा किया गया कर्म हमें एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लेगा और हमको उसका फल भोगना पड़ेगा इसलिए बेचारे लोग बोलते हैं प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है भाई पहले तो अच्छे की डेफिनेशन समझ लो अच्छा आप किसको बोलते हो किस शिक्षा के आधार पर बोलते हो चार पड़ोसी ने सर्टिफिकेट दे दी तो अच्छे हो गए नहीं अच्छा व्यक्ति तब होगा जो शास्त्र सम्मत वैल्यूज पे वैल्यूज पे जीने वाला प्रिंसिपल के हिसाब से जीने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा वो व्यक्ति अच्छा कहलाएगा जो धर्म जानता है ऐसे नहीं कि दस पचास पंद्रह 20 लोगों ने फैन फॉलोइंग ने बोल दिया अब अच्छे हो तो हैं अच्छे हो गए नहीं 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 ऐसा नहीं और फिर बुरा क्यों होता है क्योंकि आप आजकल तो कुछ बुरा नहीं कर रहे कई धर्मों में पुनर्जन्म की स्तुति नहीं की गई है लेकिन उनके पास इन प्रश्नों के उत्तर भी नहीं है कि एक गरीब क्यों और एक अमीर क्यों एक कुरूप क्यों एक सुडौल व्यक्ति क्यों एक धनी क्यों एक निर्धन क्यों एक पतला क्यों एक मोटा क्यों एक दुखी क्यों एक खुशी खुश क्यों उनके पास बातों का जवाब नहीं वो कहते हैं कर्मों का है क्योंकि कर्मों के बारे में उनके शास्त्र में भी बताया है लेकिन भैया इस बच्चे का क्या कर्म है कि बीमार है इस बच्चे का क्या प्रॉब्लम है कि आई में है इस बच्चे ने अभी कौन से कर्म कर दिए नहीं नहीं ये तो हमें नहीं मालूम ये तो अब जो हमारे भगवान है वही बताएंगे हाँ तो आप उन ग्रंथों को पढ़िए क्योंकि ग्रंथ कभी किसी एक धर्म से संबंधित नहीं होते उन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा पिछले जन्मों के कर्म का फल ये अब भोग रहा है कितने कितने जीवों को मारा किस किस को कष्ट दिया और अब उसके जीवन में समझ समझें इसलिए जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ और समस्याएं आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मेरे ही कृत्य हैं जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं तो क्या करें ऐसे प्रारब्ध से बचने के लिए शास्त्र बताते हैं क्या कहजिए कृष्ण भावनामित का पालन कीजिए भगवान के नाम जप कीजिए भगवान की कथा सुनिए अपने जीवन को सार्थक कीजिए कर्म जो हैं बुरे बंद कर दीजिए अब अकर्म कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए इससे क्या होगा धीरे धीरे हमारे नए कर्म तो गलत जनरेट नहीं होंगे जिसका फल हमें आगे भोगना पड़े और जो पुराने प्रारब्ध हो चुके हैं उनका फल भी बड़े की जगह छोटा करके मिलेगा इसलिए भक्त लोग जब भी कोई दुख या कष्ट आता है तो कहते हैं ये तो मेरे ही कर्म हैं तत् अनुकम्पुसूक्ष्म मानो भुंजात एवात्मा कृतम विपाकम अरे मेरे ही कर्म है जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं धन्यवाद भगवान कि मेरे कर्म काट रहे हैं तो ऐसी भावना तो यहां पर कंस जैसा व्यक्ति भी कर्म का ज्ञान दे रहा है पुनर्जन्म का ज्ञान दे रहा है आत्मा का ज्ञान दे रहा है और अपने बहन और भाई से क्या मांग रहा है माफी मांग रहा है आंखों में आंसू रखकर वसुदेव के चरणों में गिर गया और इस प्रकार अब जो है तुरंत कंस ने अपने बहन और भाई को उन लोहे की छड़ों से जो बेचारे बंधे हुए थे उनको मुक्त करवाया और इन दोनों ने उनको माफ़ी भी कर दी कि ठीक है पश्चाताप कर रहे हैं और धीरे धीरे क्रोध चला गया और वसुदेव ने भी क्रोध मुक्त हो गए और कहा ठीक है हमने माफ़ कर दिया है ना जो आपने हमारे साथ किया तो ये एक भक्त की नेचर है पर दुखा दुखी अगर कोई पश्चाताप करता है हमारे राजा लोग भी पहले ऐसे होते थे जो माफ़ी मांग ले कितना ही नुकसान कर दे लेकिन माफ़ी मांग ले तो उसको क्षमा कर देते हैं फिर आ जाते थे युद्ध करने के लिए फिर क्षमा कर देते फिर आ जाते थे युद्ध करने के लिए फिर क्षमा कर देते लोग कहेंगे देखो भैया सत्रह बार युद्ध करने आया एक बार भी समझ नहीं कि मार देते वो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं अपना धर्म का पालन कर रहे हैं और उस धर्म के पालन की वजह से इस व्यक्ति को तो भगवान का धाम प्राप्त होगा जो धर्म का पालन कर रहा है लेकिन जो अधर्म कर रहा है माफ़ी मांगने के बाद भी पाप कर रहा है वो व्यक्ति जन्म जन्मों तक तो नरक जाएगा कई कई जन्मों तक नरकों में रहेगा क्यों क्योंकि वो अधर्म कर रहा है इस तरह से जो हैं कंस को छोड़ दिया गया माफ़ कर दिया गया और फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मध जैसे भौतिक गुणों में से समन्वित होते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में लगे रहते हैं क्योंकि वे दूरस्थ परम कल्याण के लिए ही भगवान उनको ज्ञान में रखते हैं अभी क्या बताते हैं एक बड़ा सुंदर आगे बताते हैं कि कंस अत्यंत हर्षित हुआ कि उनको माफ़ कर दिया गया और वहां से अनुमति लेकर चला गया लेकिन हुआ क्या आप देखिए असत्य संघ का कितना बड़ा खतरनाक बोता है अभी बहन भाई ने माफ़ कर दिया पश्चाताप करता सब ठीक हो चुका लेकिन जैसे ही अपने मंत्र में अपने राज्य में आया अपने मंत्रियों को बुलाया मंत्रणा करने के लिए तो वहां पर गड़बड़ गई मंत्रियों को बुलाकर वो उसके साथ बैठा और उसने सारी बात बताई कि, कि किस प्रकार योग माने योग माया ने जो कहा था कि तुम्हारा वध करेगा आठवां पुत्र तो वो तो योग माया निकली तो अब क्या था वो मंत्री जो थे क्या इसलिए कहते हैं जब दुख या कष्ट या समस्या में हो या नहीं भी हो तो भी हमेशा साधु की संगति करनी चाहिए जीवन में मार्गदर्शन के लिए भला इस संसार के लोग हमारा क्या मार्गदर्शन करेंगे भला ऐसा व्यक्ति जो खुद डूब रहा है वो दूसरों को कैसे बचाएगा नहीं बचा सकता बचाने वाले को बाहर होना चाहिए इसी तरह से जो लोग साधु वृत्ति के हैं ये जो बुद्धिमान हैं वो संकट के समय चाहे संकट ना भी हो तो भी साधु की संगति करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेकिन अगर गलत संगति हम में रहेंगे तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा तो आज मंत्रणा हो रही है और मंत्रियों ने कहा ठीक है आपने कहा कि आठवां पुत्र करेगा और योग माँ ने यह कहा कि तुम्हें कि आठवां पुत्र जन्म ले चुका है तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप एक काम कीजिए पूरे इलाके में जितने द, दस दिनों में बच्चे पैदा हुए उन सबको मरवा दीजिए ये हुआ संगत कहते अब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा तो आपकी रक्षा हो जाएगी महाराज अब ये सारे के सारे लोग आसुरी प्रवृत्ति के जो मंत्री थे वो ज्ञान दे रहे हैं कह रहे हैं और बातें बोल कर देवतागण युद्ध भूमि में महाराज आपसे डरते थे आपसे दूर रहते थे आप तो इतने कंस को बोल रहे हैं आप इतने बड़े योद्धा थे कि आपसे लड़ते हुए उनके बाण छूट जाएं रथों से नीचे गिर जाएं घायल हो जाएं और उनके पास हथियार ना हो ना तो भी आप उनको छोड़ देते थे कि जाओ छोड़ दिया हथियार लो फिर लड़ो आपका इतना यश था इतने बलशाली थे आप सब लोग आपसे डरते थे इसलिए आपको इन देवताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है ये जो प्रोफेसी हुई है जो आकाशवाणी हुई है कौन आपका वो कर सकता है तो इसलिए आप क्या कीजिए मारिए फिर उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने कहा बड़ा एक सुंदर श्लोक के द्वारा हम आपको बताएंगे समुपेक्षितो यथांगे समुपेक्षित नक्य रूढ़ुम यथेन्द्रिया ग्राम उपेक्षित तथा ऋपुर महान बंधवलो न वो कहते हैं जिस तरह अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कहते जैसे किसी को रोग हो जाए रोग होने पर अगर वो उसको निग्लेक्ट कर देता ठीक है छोटा सा है देखा जाएगा कहते लेकिन कुछ समय के बाद वो रोग भयावह हो जाता है और उसके बाद सर्जरी करानी पड़ती है तब भी ठीक नहीं होता तो रोग को शुरू में ही दबा दो रोग को शुरू में ही ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और फिर एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह शुरू में ही हमारी जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं ये हर साधक के साथ होता है संसारिक लोगों के साथ होता है आपको शुगर है गुलाब जामुन दिख रहा है शुरू में ही जैसे कहते हैं आकर्षित होती है तो क्या करो वहीं पर उसको नेग्लेक्ट कर दो आप थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग करेंगे अरे वाह गुलाब जामुन है बड़े दिन से नहीं खाया लार टपक रही है अब तो जोमैटो में या वहाँ जाके फ़ोन कर दूंगा स्विगी में तो गुलाब जामुन आ जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा थिंकिंग कि काश मैं ले लूँ फीलिंग वाहो कितना टेस्टी था कब खाया था विलिंग यस आई हैव टू ट्राई दिस तो मन ऐसा शुरू कर देता है तो इंद्रियां जो हैं हमको वेगवान करती खींचती हैं फिर हम कंटम्पलेट करते रहते हैं करते रहते हैं अरे नहीं डॉक्टर ने मना किया था मना किया था मना किया था नहीं खाना कहते छोड़ो ना बहुत टाइम बाद खा रहे हैं एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे शुगर की और मंगा लेते है कि नहीं तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को अगर पहले ही रोक लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपने गुलाब जामुन एक की जगह दो मंगा लिया और अब आप बेड पर पड़े हार्ट अटैक हो गया तो बता रहे हैं कि इंद्रियों में जैसे ही विषयों के संग में आती तभी उसको रोकना चाहिए कंटम्प्लेट नहीं करना चाहिए सोचना विचारना नहीं चाहिए ऐसे हमारे मन में जो विचार आते हैं उन विचारों को पहली ही स्टेज पर रोक देना चाहिए नहीं तो क्या होगा वो भी हमको खींच के ले जाएंगे बड़े से बड़े ज्ञानी लोगों को खींच लिया जाता है इतना भी कहा शास्त्रों में इसलिए इंद्रिय इतनी वेगवान हैं कि बंद कमरे में किसी अपने के साथ चाहे वो पुत्री हो चाहे बहन हो चाहे माता हो व्यक्ति को इस प्रकार नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वेगवान इंद्रियां इवन बुद्धिमानों का भी हरंती पर सभ मना मन हर लेती हैं तो पहला ही थॉट जब आए वहीं रोकना चाहिए क्योंकि इंद्रियां बहुत वेगवान हैं और मन उनका जो है वो उनके हाथ में नहीं चंचल है तो क्या बता रहे हैं ये मंत्री सारा ज्ञान है इन लोगों को मंत्रियों को कह रहे हैं तो जो इंद्रियां भी जाती हैं ना तो वहीं रोकना चाहिए नहीं तो आगे गड़बड़ हो गई तो फिर रोक पाना बहुत मुश्किल है उसी प्रकार जो हमारे शत्रु हैं चाहे वो छोटे शत्रु हों चाहे कम उम्र के हों चाहे कुछ हों तो उनको वहीं पर जाकर ठीक करना चाहिए नहीं तो अन्य समय में जब वो बड़ी सेना ले आएंगे कुछ करेंगे तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये ज्ञान दे रहे हैं कंस को उसके मंत्री असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार ये तो संघ है हमारी दृष्टि में लेकिन कंस जैसी मानसिकता के लोग बोलेंगे यस बड़ा अच्छा ज्ञान दिया तो इस प्रकार उन्होंने बोलना शुरू करा फिर उन्होंने कहा समझ देवताओं का आधार भगवान विष्णु है और जिनका वास उनके हृदय में होता है तो इसलिए धर्म जहाँ पर धर्म होगा संस्कृति होगा वेद होंगे गाय होंगी ये सारे काम होंगे तो वहाँ पर विष्णु अपने आप, आप होंगे तो आप एक काम करो आप क्या करो हे राजन आपको चाहिए कि आप हम अनुयायियों को भेजो और जहाँ जहाँ पर वैदिक ग्रंथों का उच्चारण हो रहा है यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण मिलेंगे तपस्या कर रहे होंगे गायें होंगी दूध दही जहाँ पर होगा हम ऐसी चीज़ों को नष्ट कर देंगे क्योंकि भगवान विष्णु से ही अलग नहीं है ना वैष्णव ना यज्ञ न गाय नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय विन्दाय नमो नमः कृष्ण के प्राण हैं गाय और वैष्णव और ब्राह्मण तो जब हम इन पे प्रहार करेंगे ना तो विष्णु पे लगेगी चोट क्योंकि विष्णु के अंग हैं ये सब तो इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कंस को और कहा क्योंकि ये सारे उनके अंग हैं उनके है ना, ना तो इसलिए इनको ठेस पहुँचाओ इससे विष्णु की शक्ति कम होगी क्योंकि भगवान फिर कहते हैं कि भगवान शिव तथा ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के अंग संरक्षक हैं बड़े बड़े साधु वैष्णव सभी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं इसलिए वैष्णवों का उत्पीड़न विष्णु का विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है क्योंकि उनके अंग है ना भगवान ही तो कहते हैं मेरे अंग हैं तद्या नाम सवरचना जो जो भगवान से जुड़ी चीज़ें हैं सब भगवान के अंग हैं तो आओ उनके अंगों पर प्रहार करते हैं तो असुरों के साथ यह दिक्कत है ना वो भगवान के अस्तित्व को मानना चाहते हैं और अगर उनको लगता कि है तो फिर उनके साथ कंपटीशन करते हैं और उनको मारना चाहते हैं तो ऐसी वृत्ति है अब इस प्रकार का जो उन्होंने ज्ञान देना शुरू करा अब क्या था इन लोगों ने अपनी सेना भेज दी वैष्णवों को सताने के लिए उनको मारने के लिए असुर सारी दिशाओं में पहुंच गए उनका ख़त्म करने के लिए अब देखिए शुभदेव समझ कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कहते हैं आयु श्रेय यशो धर्म लोका नाशीष एवचा हंसी श्रेसी सर्वाणी पुंसो मद अतिक्रम शुभदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे राजन जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घ आयु अगर उसकी लंबी आयु है सौंदर्य सुंदर है यश हर जगह उसकी ख्याति फैली हुई है धर्म जो अभी तक धर्म पूजा पाठ दान इत्यादि किया बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर उसको प्राप्त है और उच्च लोगों में जाने का वर उसको अगर मिला हुआ है तो सब कुछ विनष्ट हो जाएगा शुक्र को समझिए परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति महापुरुषों को सताता है इसलिए दस वैष्णव अपराधों में पहला है जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रचार कार्य में समर्पित कर दिया उनकी निंदा ना करें इसलिए वैष्णव को जब भी मिलें ब्राह्मण जब भी मिले उनको देखकर मुस्कुराएं उनका वेलकम करें उनको मुस्कुराकर उनका वेलकम करना चाहिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए और उनका अपमान ना करना चाहिए और ना उनको प्रहार करना चाहिए गलत है ये हम देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं इतने वर्षों तक इन्होंने हम पर राज किया उन्होंने हम पर राज किया इतने सारे ब्राह्मणों को मारा गया काटा गया एक समुदाय के प्रति द्वारा तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी वैष्णव ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग सुखी नहीं रह पाते ये लोग परेशान रहते हैं दुखी रहते हैं ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते इनका इनकी गति बहुत दुर्गमय होती है और ये परेशान रहते हैं जीवन भर इनके कुल के कुल नाश हो जाते हैं दरिद्र हो जाते हैं यश खत्म हो जाता है धन खत्म हो जाता है सौंदर्य ख़त्म हो जाता है सब बुरी हालत हो जाती है क्योंकि ये लोग वैष्णव और ब्राह्मणों को तंग कर रहे हैं तो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए तो भगवान भी आगे आते हैं तो इस प्रकार सुखदेव शुभदेव को समझने बोलना शुरू किया तो जो ये अध्याय था तो इस अध्याय में जिसमें कंस का अत्याचार बोला गया तो अभी कंस ने अत्याचार इसमें शुरू कर दिया और फिर अगला जो अध्याय शुरू होता है उसका नाम है अब नंद महाराज की वसुदेव से भेंट अब क्योंकि नंद महाराज के यहाँ पर उठते ही देखा कि हमारे पास काना है कृष्ण आ गए हैं तो जैसे भगवान ने वहाँ पर जन्म लिया तो शिवदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में जन्म दिया तो बड़े खुश थे प्रफुल्लित थे का लंबी उम्र के बाद उनके यहाँ संतान हुई थी खुद स्नान इत्यादि किया अपने को शुद्ध किया समुचे ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और मंत्रों का पाठ करवाया ब्राह्मणों को बोला भेजा और जब सारे योग्य ब्राह्मण शुभ इत्यादि सब आ गए कर रहे थे तो अब जात कर्म जो नेवल जो होता है उसको जो काटते हैं जिसको अपनोमिकल कॉर्ड कहते हैं तो उसके उसका कर्म होना था तो कोई कह सकता है भैया कर्म तो उसका होता ना जिसके यहाँ पर संतान हुई हो ये तो संतान देवकी के घर से यहाँ पर पहुँची थी देवकी के यहाँ जन्म हुआ था कृष्ण का तो और फिर वहाँ कैसे जात कर्म हो रहे तो बताते हैं कुछ आचार्य जन कि भगवान श्री कृष्ण असीमित हैं यहाँ देवकी के यहाँ पे पहले विष्णु रूप में प्रकट हुए और फिर दो भुजाओं में आए और यशोदा और नंद महाराज तो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं नित्य सिद्ध हैं हर एक हमेशा उनके माता पिता रहते हैं तो जब यहाँ पर माता पिता हैं तो भगवान के यहाँ भी प्रकट हुए और जब यहाँ से पुत्र लेकर गए तो जब वहाँ रखा तो दोनों एक हो गए ऐसा भी बोलते हैं इसलिए जात कर्म किया गया और फिर ये चीज़ सबको पता भी नहीं है ये तो आचार्य लोग टीपा टीका में लिखते हैं इसलिए भी ये नहीं लिखा गया ऐसे नहीं बोला गया नहीं तो सारा का सारा लीला ऊपर नीचे हो जाएगा इसलिए यहाँ से कृष्ण गए शुदा के यहाँ पर और अब वो उन्हें अपने ही पुत्र मान रहे हैं ऐसी घटना घटी और फिर जो हैं बताते हैं कि नंद महाराज ने अपने यहाँ पर पुत्र होने के लिए क्या करा धेनु नाम नियते प्राद प्रादिप्रवय संलगते अर्थात धेनु नाम दुधारू गायों को नियुते बीस लाख गायों का दान किया पूरे वस्त्र और आभूषणों के साथ कई बार हम बोलते हैं कि नंद महाराज के पास नौ लाख गायें थी नौ लाख नहीं असीमित गायें थी लाखों के करोड़ों में गायें थी उनके पास अब जो व्यक्ति बीस लाख गायें दान कर रहा है रत्नों के साथ आभूषणों के साथ वस्त्रों के साथ तो उनका ओपोलेंस उनका ऐश्वर्य हम देख सकते हैं कितना होगा और फिर बताते हैं शुकदेव गोस्वामी महाराज बड़ी सुंदर बात करते हैं हर व्यक्ति को समझना चाहिए इसके बारे में कह रहे हैं काले न स्नान शोचाभ्याम संस्कारया तपित जया इसका हिंदी में मतलब ऐसा है कहते हैं कि हे राजन समय बीतने के साथ ही जैसे जैसे समय बीतता है तो धरती पे जो कंटैमिनेशन है वो शुद्ध होने लगता है समय बीतने के साथ साथ कहते हैं हम जब स्नान करते हैं तो स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है फिर कहते हैं घर में या चीज़ों की जब हम सफाई करते हैं तो वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं जब हम संस्कार इत्यादि करते हैं जात कर्म किया नाम संस्कार किया यज्ञ पवित्र संस्कार किया है ना सारे संस्कार हैं ये पवित्र शुद्धता के लिए हैं तो कह रहे हैं उससे क्या होता है व्यक्ति का जन्म शुद्ध हो जाता है फिर कहते हैं तपस्या करने से हमारी इंद्रियाँ शुद्ध होती हैं जैसे एकादशी का हम पालन करते हैं या अन्य व्रतों को रखते हैं कार्तिक मास चल रहा है लोगों ने तपस्याएँ उठाई इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मन को शुद्ध करने के लिए इससे क्या होगा कि हम लोग तपस्या अगर करते हैं तो हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं ये भोग विलासिता की तरफ ज़्यादा नहीं जाती तो इस तरह से तपस्या से कहते हैं हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और भगवान की पूजा अर्चना या फिर ब्राह्मणों की सेवा करने से वैष्णवों की सेवा करने से धन के द्वारा हमारा धन शुद्ध हो जाता है जैसे इनकम टैक्स के स्लैब्स जो भी हैं उसको इनकम टैक्स प्रॉपरली टाइमली पे करने से जो बैलेंस पैसा हमारे पास बचता है उस पर कोई सरकारी ऑफिसर की नज़र नहीं पड़ती कोई उसको दुख नहीं कर परेशान नहीं करने आएगा उसी प्रकार जो धन हम कमाते हैं हम सब जानते हैं आजकल जीने के लिए दौवत की रोटी खाने के लिए लोग सॉरी वक्त की रोटी खाने के लिए तो कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा लेकिन दो वक्त से अधिक कुछ चाहता है नीड से अधिक डिज़ायर्स पूरा करना चाहता है तो उसको धन अधिक चाहिए धन अधिक चाहिए तो पाप कर्म करने पड़ेंगे एक का दो करना पड़ेगा प्रभु जी अब क्या करें सब करते हैं प्रभु जी मैं ऑफिस मेरा ऐसा है मैं गवर्नमेंट ऑफिस में सब लेते हैं मुझे भी लेना पड़ता है हैं तो बिना उसके तो जी नहीं पाते कैसे करें फिर तो बता रहे है? हम प्रेरित नहीं कर रहे कि करना चाहिए हम तो ये रहे व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और जो धन जैसे भी कमा लिया उस धन को जिससे इनकम टैक्स देकर पवित्र करते हैं या लीगलाइज करते हैं उसी तरह धन को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धन भी शुद्ध हो जाता है इस प्रकार मन का शुद्ध किया जाता है संतोष के द्वारा सेटिस्फैक्शन कंटेनमेंट है जितनी चादर है उतने प्यार पसंद तो मन बड़ा शांत रहता है जिनके मन शांत नहीं रहते उद्विग्न रहते हैं परेशान भयभीत रहते हैं किनके जो और चाहते हैं ये दिल मांगे मोर ये दिल मांगे मोर वो भे, भयंकर परेशान रहते हैं जो जो चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं फिर उनके खो जाने का चिंता बनी रहती है तो मन को शुद्ध किया जा सकता है संतोष के द्वारा और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामित आंदोलन में भक्ति कर कर हम लोग अपने जीवन को अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं जो होता है भगवान के पवित्र नामों से आत्मज्ञान हो जाएगा भगवद गीता पढ़कर ग्रंथों को पढ़कर साधु की संगति में श्रवण कर कर और विशेषकर मंत्र जप कर त्रायते इति मनाहा जो मन को तार दे कौन सा मंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये मन को तार देगा तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इस प्रकार बताना शुरू करा नंद महाराज के यहाँ पर खूब दान इत्यादि गया गायें बैलों बछड़ों सबका दान किया सबको हल्दी से लेप तिल का तेल खनिजों से उनको लेप किया गया मोर पंखों से सजाया गया और बहुत कुछ गहने इत्यादि दिए गए अब गायों को भी इतना सुसज्जित किया जाता था इतना ओपुलेंस था पहले आजकल लोग अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए एक कुत्ता पाल लेते हैं उस कुत्ते को सजाते नहीं वो भी नंगा घूमता रहता घर में है ना और छोटे डब्बे में रोटी डाल देते हैं उसको और सोचते हैं कि हम बड़े महान हैं फिर बाहर लेकर उसको डोरी के साथ जाते हैं उसको पोटी कराने के लिए और सड़कों पे दिखाते हैं देखो मेरे पास पच्चीस हज़ार का कुत्ता है मेरे पास बीस हज़ार का कुत्ता है और वो बेचारा नंग धड़ंग रहते हैं और ज़्यादा ठंड लग जाए तो अपनी केयर दिखाने के लिए एक सौ पचास रुपये का उसका कुत्ते का कपड़ा दे देते दे हैं उसको लो भी पहन ले इसको यहाँ तो नंद महाराज गायों के साथ है और गायों को भी सुसज्जित कर रहे हैं लेप कर रहे हैं चंदन से और कई कई खनिजों से और आभूषण पहनाए जा रहे हैं गायों को ऐसी गायों की पूजा की जाती थी इसीलिए तो इतना धन धान्य था लोगों ने घर में कुत्ते पाल लिए कुत्ते पाल लिए तो मानसिकता भी जानवरों जैसी होगी व्यक्ति चलता है सड़कों पर गाड़ी लगती है या लगने से बचती है या कोई कुछ बोल दे तो देखिए वो आत्मा उसके अंदर आ जाती है जानवर की और सड़कों पर कूदते फांदते नजर आते हैं लोग छोटी छोटी बातों पर क्षमाशील नहीं रहते कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं बीस साल तीस साल पैंतीस साल से एक व्यक्ति ने एक सरकारी ऑफिस में कुछ टैक्स जमा कराया गलती से उसके कुछ पैसे ज़्यादा जमा हो गए या कैलकुलेशन गवर्नमेंट की खराब थी जिसकी वजह से उसके पास बीस पैंतीस पैसे एक्स्ट्रा आ गए गवर्नमेंट के पास उसने कहा जी मुझे वापस दो तो उन्होंने कहा जी ये कैसे वापस कर सकते हैं उसने कहा जी मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा उस व्यक्ति ने हजारों लाखों रुपया तीस पैंतीस साल तक लड़ता रहा और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो पैसे वापस मिले उसके पैंतीस पैसे जी हाँ आप जीत गए हो तो क्षमाशील नहीं है लोग तो ये स्थिति है तो मानसिकता जैसे जानवरों के बीच में रहेंगे वैसे मानसिकता अब गाय पाली आपके अंदर शतोग बढ़ जाएगा रोज उसको हाथ लगाइए उसकी सेवा कीजिए आपके अंदर सद्गुण आ जाएंगे तैंतीस करोड़ देवी देवताओं की इकट्ठी जो है आप वर्षिप कर रहे हो गाय को भोजन कराने से उनकी सेवा करने से आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा तो आप डिस्क्रिमिनेशन समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार मुझे भक्ति कर कर जन्म और बुढ़ापे में मृत्यु से बाहर निकलना ऐसा ज्ञान आ जाएगा केवल गाय की सेवा करके सतोगुण बढ़ने से और गीता पढ़ने से तो जैसे जिसकी सेवा करेंगे वैसा होगा इसलिए लोग जब नए नए जुड़ते हैं स्कॉन से तो कहते हैं प्रभु जी अच्छा इतना बड़ा तिलक लगाना पड़ेगा प्रभु जी इसे माला को बाहर भी करना पड़ेगा लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे क्योंकि लोगों ने पाप इतने किए हैं या लोग इतने शाही फुल हैं कि उनको लगता नहीं कि हम पहले तो कुत्ता घुमाते थे प्रभु जी कुत्ता घुमाते तो फक्र होता था अभी माला घुमाएंगे तो डर लगता है अच्छा कुत्ता घुमाते समय कुछ नहीं हो रहा और माला घुमाते हुए आपको शर्म आ रही है उस भगवान का नाम लेते हुए तो भक्तों को निडर होना चाहिए लोग कह रहे देखो जी ऐसे भी कैसी भक्ति इतने बड़े बड़े तिलक लगा के माला करते फिर रहे हो तुम सड़कों पे घर पे कर लो ध्यान तो एक मिनट होता है जी ऐसे लोगों की नहीं सुननी हमारा अपना कोटा घर में आराम से पूरा करो चल के पूरा करो नो प्रॉब्लम एक्स्ट्रा है तो बाहर भी करो लोग देखेंगे उनको याद आएगा कृष्ण का, का स्मरण होगा इस्कॉन का प्रभुपात का स्मरण होगा और उनको भी लगेगा भाई जब ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ जब कुत्ता घुमाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है यार मैं भी कुत्ता ले लूँ इससे स्टेटस है ना मेरा बढ़ेगा तो जो माला घुमाते लोगों को देखेंगे तो कुछ की बुद्धि में तो आएगा कि माला लेके मैं भी घूम सकता हूँ मैं भी भजन कर सकता हूँ है ना बूढ़े लोग जो साठ के ऊपर हो चुके हैं उनको लगता है रिटायर हो गए हैं अब तो ताश खेल के घर में दूध का डोलू लेकर जीवन काटना है कैसे हो महाराज कहते हैं जी हो रहा टाइम पास टाइम पास हाथ में काल खड़ा कब ले जाए पता नहीं चलेगा क्या करना है भगवान का नाम जपना है जब ऐसे बुजुर्ग लोग देखते हैं हम लोगों को कहते हैं अरे बच्चे तुम तो इसी उम्र में लग गए हम कहते हैं अंकल जी आप तो अभी तक नहीं लगे कहते बेटे ये तो बुढ़ापे में काम है हमने कहा जी आप तो हो चुका अब कर रहे हो क्या कहते बेटे इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए लेकिन अभी तो खाने पीने के तरीके हम खाते भी हैं पीते भी नाश्ते भी हम तो आप क्या कर रहे हो बस बेटा हम तो टाइम पास कर रहे हैं अंकल जी टाइम पास नहीं करना टाइम तो काल अपने पास कर देगा मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं गति अच्छी हो क्या करिए भगवान के पवित्र नामों का शरण लीजिए अरे बच्चों से सीख लो जवानों से सीख लो कि किस प्रकार उन्होंने टाइमली भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया है तो करना चाहिए तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए हम लोगों को तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गायों को पाया जा पाला जाता था तो हमें भी चाहिए जिसके पास सुविधा हो चाहे गांव में हो चाहे शहरों में टाउन में हो व्यक्ति को गाय जरूर पालना चाहिए शहरों में तो अब मान मना कर देते हैं क्योंकि लोग बड़े सफेटिकेटेड हो गए गाय के मूहत और गाय के गोबर जो कि पवित्र करता है उससे लोगों को दुर्गंध आती है इसलिए गायों को नहीं पाल सकते ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पर लेकिन जिनके पास ऐसे संसाधन है घर बड़ा है गाय रखनी चाहिए और गाय भी कौन सी जर्सी गाय नहीं जो मिक्स ब्रीड है सुअर की और उस तरह से नहीं भैंस की नहीं देसी गायें जिसका कुभ निकला होता है ऐसी गाय रखनी चाहिए उसकी सेवा करनी चाहिए उसकी पूजा करनी चाहिए तो इससे सतोगुण हमारे जीवन में बढ़ेगा और इस तरह से जिसके पास जो संसाधन चाहे गाँव में रहते हैं चाहे शहरों में चाहे टाउन में जरूर रखनी चाहिए एक रखें दो रखें चार रखें लेकिन ज़रूर रखें गाय को केवल दूध के लिए ही ना देखें कि हाँ दूध मिलेगा तो ही गाय रखेंगे जैसे माता पिता एक टाइम के बाद हमें पालने के बाद हमें कुछ नहीं देते लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं फिर भी उनको साथ रखते हैं उसी तरह गाय भी हमारी माता है सात माताओं में एक गाय भी है आत्म माता पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनु धात्री तथा पृथ्वी सप तेता मात्र समृता गायें भी एक माँ है क्योंकि माँ का दूध तो हमने दो साल पिया गाय का दूध हम जीवन भर पीते हैं तो वो भी हमारी माँ है उसकी सेवा करनी चाहिए सेवा करने से उसके मूत्र को जो है लेने से गोबर को घर में लेप करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं और वैसी सेवा करते रहेंगे तो लाभ पहुँचेगा कृपा मिलेगी कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करें गायों की सेवा करें युधिष्ठिर महाराज भी जो हैं उनके समय में भी गायें बड़ी सुखी रहती थी और अपने दूध से ही सारी की सारी खेती को सींच देती थी इतनी खुश होती थी गायें और फिर अब जो था माहौल है पूरा घर में तो ग्वाले बहुत खुश हैं सब सज धज के वहाँ पहुँच रहे हैं और सज धज के पहुँच रहे हैं तो गोपियाँ भी वहाँ पर सज धज के पहुँच रही हैं ऊपर वस्त्र पहन रखे हैं आभूषण पहन रहे हैं कान के सब चीज़ें पहन कर क्योंकि आज नंद महाराज के यहाँ पर क्या है फ़ंक्शन है वहाँ पर काना ने जन्म लिया है और इस प्रकार जो है आगे चलकर जो है ये सारा फंक्शन घर में हो रहा होता है और फिर ऐसा फंक्शन ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा आज फर्स्ट बर्थडे भगवान का फर्स्ट नहीं कह सकते जन्म है जन्मोत्सव है तो सारे ग्वाल बाल दूध दही मक्खन सब लेकर पहुँचे और क्योंकि इतनी अधिक और प्रचुर मात्रा में ये सब मिलता है कि इतने उत्साहित थे इतने खुश थे इतने हर्ष साले उल्लास थे कि अब दूध और दही भी एक दूसरे मक्खन भी एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे उन लोगों के गाल पे लगाने लगे हुँ? तो मक्खन की होली खेल रहे हैं दूध की होली खेल रहे हम देखते हैं आजकल घरों में भी लोग बर्थडे मनाते हैं और केक उठाते हैं धड़ाम करके मुंह पे मारते हैं लोगों के उनको लगता है ये रिचुअल है इस तरह से करने से जो है हम लोग बर्थडे मना रहे हैं तो ये फिर किसी को नीचे दिखाना वो करना स्थिति हो जाएगी पहले दूध दही इत्यादि फेंका भी जाता था क्योंकि प्रचुर मात्रा होती थी और हर्ष उल्लास के साथ किया जाता था आजकल भी लोगों ने ऐसा शुरू किया है जबकि इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई बार आग लग जाती है कुछ ना कुछ होता है तो केक मारते हैं और कई बार स्ट्रॉन्ग केक हो तो मुँह पर लग जाते हैं तो इस प्रकार ये प्रथाएं चलती थी महाराज नंद ने जो है सारे ब्राह्मणों को बुलाया और यथा अच्छा जो उनकी इच्छा थी सबको संतुष्ट करके भेजा ब्राह्मणों को संतुष्ट गायें दी धन इत्यादि दिया उन सबको और इस प्रकार आप जो है रोहिणी माता जी भी वहाँ पर उपस्थित थी और फिर घर जो है पूरा क्रीड़ा बन गया अब तो सब लोग आने शुरू हो गए और अब जो था नंद महाराज को था कि मेरे घर संतान हुई है तो मैं कंस को जो है अपना वार्षिक जो टैक्स देते हैं मैं वो देकर आता हूँ मिठाई भी ले जाता हूँ कंस को सूचित करूँगा भैया है ना कि ये लीजिए अब क्या हुआ नंद महाराज जो हैं वार्षिक जो हैं टैक्स देने के लिए वहाँ पहुँचे वसुदेव ने जब सुना कि नंद महाराज मथुरा से यहाँ पर आए हैं तो वो तुरंत पहुँचे उनसे मिलने के लिए और उनके गले लगे गले लगकर उनके साथ हालचाल पूछा और वसुदेव को तो मालूम था कि नंद महाराज के यहाँ जो जन्म हुआ है कृष्ण का वो तो मेरा ही पुत्र है और इस प्रकार अब जो है उनको गले लगाया गया और दोनों पुत्रों के बारे में पूछा कि सुना तुम्हारे यहाँ पर रोहिणी के यहाँ भी जो मेरा पुत्र जन्मा है बलराम वो ठीक है सकुशल है क्योंकि कंस के डर के मारे सब लोग इधर तो चले गए थे वसुदेव की और पत्नी भी कहीं ना कहीं शेल्टर लेकर रह रही थी नंद महाराज के यहाँ रोहिणी रह रही थी और अब एक पुत्र वहाँ पर पहुँच गया था रात को तो रोहनी के यहाँ पर हो गया था और दूसरा कृष्ण थे तो वो बोल नहीं सकते कि पुत्र मेरा मैं रात को आके देकर गया हूँ नहीं उन्होंने कहा आपका पुत्र कैसा है वो भी कुशल मंगल कहते हैं हाँ तो इस प्रकार उनका हालचाल पूछा और हालचाल पूछने के बाद जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे लकड़ी के फट्टे और छड़ियाँ एक साथ रुकने से असमर्थ होने पर भी नदी की लहरों में वेग से बहा लिए जाते हैं उसी प्रकार हम हैं तो मित्र लेकिन समय ऐसा आ गया है कि अब साथ नहीं रह पाते काल जो है अलग कर देता है और इस प्रकार से हम कितने लंबे समय बाद मिल रहे हैं हुँ? जैसे काल आया कोरोना लेकर आया लोग दूर हो गए एक दूसरे से सारे संबंधी दूर हो गए मिलना जुलना बंद हो गया आपस में इंट्रैक्शन बंद हो गई तो समय बड़ा बलवान है तो बता रहे हैं श्लोक के द्वारा कि समय समुद्र की उन लहरों के समान है जो लकड़ी के घट्टो फट्टों तिनकों को इकट्ठा कर देता है लेकिन कितनी देर तक कुछ समय तक और लहरें आके उनको फिर से जुदा कर देती हैं तो यही जीवन है हम भी इस जीवन में किसी न किसी से मिलते हैं उनको अपना मानते हैं आसक्तियाँ हो जाती हैं और फिर समय उनको हमसे अलग कर देता है और फिर हम मोहित हो तो जाते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं और फिर अपने परिवार के बारे में कुलशम इत्यादि पूछा और उसके बाद आगे जो हैं एक बात कही उन्होंने और कहा कि आप एक काम करिए क्योंकि यहाँ पर ना कंस जो हैं वो बड़ा ही उद्वेगित बन का है उसके मंत्रियों से मंत्रणा कर कर वो परेशान हो चुका और वो सारे संतानों को मार सकता है राक्षसों को भेज सकता है तो तुम तुरंत वापस जाओ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो जब उन्होंने ऐसा सुना कि वो सब निशंस हत्या कर रहे हैं लोगों की तो नंद महाराज जो हैं तुरंत वापस चले गए वसुदेव से मिलने के बाद और फिर उन्होंने कहा जी कह रहे हैं कि जहाँ पर भी वैसे भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि चलता है वहाँ पर कुछ गलत चीज़ हो ही नहीं सकती किसी के साथ कंस अगर दूत इत्यादि भेज भी रहा है या अपने सरों को भेजेगा भी तो वहाँ उसको कुछ गलत नहीं हो सकता तो इसलिए भक्ति करने वाले भक्तियों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता लेकिन फिर भी क्या हुआ जब वो वापस जा रहे थे इतने में कंस ने अपनी एक राक्षसी को जिसका नाम था पूतना उस पूतना को जो है भेज दिया कहाँ भेज दिया कि जाओ जो दस दिन के अंदर जहाँ पर भी बच्चे पैदा हुए सबको मारो तो उसने क्या किया छोटे छोटे बालकों को ढूंढती थी राक्षसी प्रवृत्ति की थी तो उसको वध कर देती थी बिना रोक टोक कहीं भी घुस जाती थी मार देती थी तो अब उसको लगा नंद महाराज के यहाँ पे फंक्शन चल रहा है इधर भी संतान है तो नंद महाराज के घर में घुस गई और नंद महाराज के घर में घुस गई किस तरह से घुसी कि भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी ऐसा लग वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के घर में घुस गई और सोते हुए कृष्ण को वहाँ देखा उसने नहीं वो जो थी ऐसी लग रही थी जैसे कि उसने अपना रूप बदल लिया रूप बदल के जैसे लक्ष्मी जैसी लग रही थी वैसे पहुंच गई अब होता क्या है कि जब आसुरियों के अंदर योगिक शक्तियाँ होती हैं जिससे ये अपना रूप बदल लेती हैं तो उसके रूप का भी वर्णन आया कैसे दिखने में एक राजकुमारी एक अप्सरा के रूप में देख रही थी और फाइनली क्या हुआ अपना भेष बदली एक सुंदर स्त्री बन गई हाथ में कमल का फूल ले लिया और चलने लगी तो जिस प्रकार वो एंटर कर रही थी तो सारे के सारे लोग ब्रजवासी उससे आकर्षित होने लगे लेकिन थी कौन पिशाची हर जगह बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी और यहाँ भी उसी चेतना से आई थी और जब उसको पता चला कि यहाँ पर है तो उसने अपने स्तनों पर कालकूट वृक्ष भी लगा लिया जो जल्दी से व्यक्ति को मारते इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता तो और मर जाता है घर में एंटर कर रही थी सारे लोग मोहित हो गए उससे गोपियाँ तो मोहित थी ही भाई गोप तो होते ही हैं पुरुष भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे उससे उसके रूप को देखकर और उस प्रकार फिर क्या किया उसने काना को जो है जब एंटर किया तो काना ने उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर ली कई आचार्य आंखें बंद करने के इस लीला को अलग अलग रूप में बताते हैं कि इस थी इसलिए बंद कर ली उसको मारना अब उसने मरना है तो इसलिए आंखें बंद कर ली कल को कोई है ना तो कई उसके एग्जाम्पल देते हैं और फिर वो पास में आई लेकिन वहाँ पे पास में खड़ी रोहिणी और यशोदा ने क्या किया उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको लगा ये साक्षा लक्ष्मी है देवता इत्यादि भी आए रहे हैं आजकल दर्शन करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं पूतना ने क्या किया कठोर हृदय की थी और फिर क्या हुआ कठोर हृदय की थी लेकिन बाहर से बड़ी कोमल बनकर आई थी तो श्लोक में कहते हैं कि जैसे तलवार होती है अंदर से तो बहुत नुकीली होती है लेकिन बाहर से उस पर जो कवरिंग होती है बड़ी वेलवेट जैसी लगाते हैं ताकि चुभे ना तो ये भी ऐसी ही थी और रोहिणी और यशोदा मैया ने जब उनको देखा तो वो उनसे मोहित हो गई अब जो मोहित होते हैं तो बोलते हैं मोहितम अर्थात अर्थ माया मोहित लेकिन माया मोहित वो नहीं हुई माया मोहित का मतलब है जैसे हम लोग माया से मोहित रहते हैं रोहिणी और यशोदा तो लीला के अंतर्गत योग माया के द्वारा मोहित थे और फिर क्या हुआ जब वो एंटर करी तो बताते हैं उसके बारे में तस्त दुर्द वीर बुलभूषणम घोराद माया शिशु दुर्दावत गाढ़ाभ्या भवन प्रपीडतत प्राणे समारोष समान पिब कह रहे हैं उसी समय उसी जगह भयानक तथा खूंखार राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया धीरे से जोर से क्रोध में आकर के मुझे मारने के लिए आई थी उसके स्तन को काट लिया और उसके प्राण भी हर लिए पूतना जो है लड़खड़ाती हुई चिल्लाती हुई भागने लगी जोर जोर से चिल्लाने लगी सा मूचम मूचम अलितम मूचम का मतलब बचाओ बचाओ मुझे छोड़ो ऐसा कुछ करने लगी और विवृत्त नेत्र चरणों भुजम अब उसके नेत्र बड़े बड़े हो गए प्राण निकल रहे हैं बड़े बड़े पैर मारने लगी पटकने लगी जमीन पर लग रहा था भूकंप आ गया जैसे और ध्राम से बारह मील का जो उसका साइज था इतनी धड़ाम से गिरी और उसने प्राण त्याग दिए और फिर नंद महाराज आते हैं वो देखते हैं कि इतनी बड़ी लाश पड़ी हुई है ब्रज में और देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल गोपियां देखती हैं कि कृष्ण जो हैं उनका स्तनपान कर रहे हैं खेल रहे हैं उनके चेस्ट पर सब हैरान हो जाते हैं गोपी उनको उठाती हैं और भगवान के नामों से उनको शुद्ध करती हैं गोमूत्र से उनको नहलाती हैं और भगवान के नामों से उनको तिलक इत्यादि लगाते हैं ताकि भगवान हरी उनकी रक्षा करें कान्हा की क्योंकि कान्हा को तो भगवान मान नहीं सकते गोपाल अगर भगवान मान लिए तो उनकी आरती करेंगे तो योग माया गोअलवासियों को भुलवा देती थी कि भगवान है और इस प्रकार वो लीला का आनंद देते थे तो इस प्रकार की घटना घटी और प्राण हर लिए और कृष्ण ने जो है उसको अपनी माता का जो है योग्यता दे दी कि मारने आई थी लेकिन स्तनपान कराया लेकिन गति कौन सी हुई माता की गति उसको अपने धाम में जगा दी तो बताते हैं शुद्ध स्वामी को पूछते हैं कि भैया ये पूतना के विषय में कुछ बताएं तो गर्ग संहिता में बताते हैं कि ये पूतना जो थी ना इससे पिछले टाइम पर रत्नमाला नाम की पुत्री थी बली महाराज की बली महाराज जो बहुत बड़े राजा थे असुरों के सबसे बड़े दैत्यराज थे इंद्र इत्यादि को हरा के सब जगह कब्जा कर चुके थे और फिर उपेंद्र कश्यप और अदिति के पुत्र आए थे उपेंद्र अर्थात वामन रूप में और वो वामन रूप जब आए थे ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में तो क्या हुआ वहाँ पहुँचने पर उनका सत्कार किया जब वो इतने सुंदर रूप में छोटे बालक के रूप में आए तो वहाँ रत्नमाला खड़ी थी उसने भगवान के स्वरूप को देख क्या कहा कि आह काश ये बच्चा मेरे पास होता तो मैं इसको स्तन पान कराती मातृत्व वात्सल्य छल का अगले ही क्षण जब उन्होंने तीन पग भूमि मांगी और तीन पग भूमि में सब कुछ निपटा दिया तो क्रोधित भी हो गई कि काश मैं इसको मार देती तो ये दोनों भाव को भगवान ने क्योंकि बड़ी इंटेंस भाव थे स्वीकार कर लिया वही रत्नमाला अब पूतना बनकर आई और भगवान ने उसको स्तनपान कराने का मौका दिया जो उसका भाव था और फिर इसको मैं अपना स्तनपान करा के मार देती तो मारने का भी प्रयास किया तो भगवान ने उसको भी स्वीकार किया और उसके प्राणों को हर लिया और गति माता के दी इसलिए वैष्णवजन सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जी कई जगह पे इस श्लोक को कोट करते हैं अहो बकियम स्तन कालकूटम झिघा सया पी साधवी लेती दयालु शरण व्रजे क्यों हो भगवान श्री कृष्ण की दया को तो देखो अपार सिंधु हैं दया के क्या किया जो राक्षसी उनको मारने आई थी प्राण हरने आई थी उसको मार कर भी भगवान ने उसको अपनी माता की गति दे दी तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला से कई कई वैष्णव जो हैं भगवान की दया से आकर्षित होते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं जब भगवान के लिए लीलाओं के लिए निकल जाते हैं घर से बाहर तो यही श्लोक सुनाकर व्यास व्यासदेव जी उनको वापस बुलाते हैं तो ये भगवान की दया और करुणा का एक बहुत सुंदर लीला है हमें इसका बार बार श्रवण करना चाहिए और इसके बारे में कहा गया है ये जो श्रवण हम करते हैं तो इस कथा का बहुत लाभ पहुँचता है इसी पूतना को भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जो पूतना है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे कई अनर्थों से जैसे हमारा चंचल मन और जो ढोंगी गुरु होते हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है जो भेष बदल के आजकल भी हम देखते बहुत सारे भेष बदले हुए गुरु मार्केट में हैं जो बाहर से दिखाते हैं बहुत अच्छे गुरु हैं लेकिन न कोई साधना न कोई पवित्रता और ना ही कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तो क्या करते हैं अपने शिष्यों को क्या करते हैं नरकों की तरफ ले जाते हैं ना ज्ञान देते हैं ना साधना बताते हैं ना कुछ करते हैं और पाप कर्म में रत होते हैं तो ऐसे ढोंगी गुरुओं से बचना चाहिए अगर हम इस कथा को पढ़ेंगे तो हमें इस तरह के ढोंगी गुरुओं से कि शरण में जाने की जो हमारी रुचि है वो खत्म हो जाएगी और जो हमारा चंचल मन है जो ढोंग करता है हमको कुछ और दिखाता है हम होते कुछ और हैं ऐसी भावना हमारे से ख़त्म हो जाएगी अगर हम इस कथा का श्रवण करते हैं पढ़ते हैं तो आज के लिए हम इन तीन अध्यायों पर यहीं पर समाप्त करेंगे कल से भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में और किन किन असुरों का वध किया उन तीन चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे आप सबका धन्यवाद हरे कृष्णा